YouTube चैनल की तरफ से मैं अपने तमाम बहन और भाइयों को अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि मेरी आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल SFSL को सब्सक्राइब नहीं किया तो बर मेहरबानी सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आपके पास हमारी मालूमती वीडियोज का नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ पहुँच जाए। प्यारी बहनों और भाई, निकाह और रुखसती के बाद जब मर्द और औरत तन्हाई में यकजा होते हैं तो मर्द के अंदर भी मामूल सोहबत का जज्बा बड़ी शिद्दत के साथ उभरता है और उस वक़्त बास मर्द बड़ी बेसब्री के साथ औरत पर टूट पड़ते हैं। बसा औकात बीवी हालत हैज में होती है तो इस दरिंदगी से बीवी को बहुत तकलीफ होती है और वो मना करती है, मगर अहकाम इलाही की नावाफियत और इसके नुकसान का इल्म न होने के बायस औरत के इनकार का लिहाज ना करते हुए सोहबत कर लेते हैं। जबकि कुरान करीम ने साफ अल्फाज में हैज वाली औरत से सोहबत करने से रोका है और इसको हराम करार दिया है। अल्लाह ताला कुरान करीम में सूरह बकरा में इरशाद फरमाते हैं कि हालत हैज में औरत से अलग थलग रहो। कुरान करीम के इस हुक्म के बारे में जदीद इल्म तिब ने इस बात का इंकशाफ किया है कि हैज से खारिज शुदा खून में एक किस्म का जहरीला मादा होता है जो जिस्म के अंदर दाखिल हो जाए तो सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। दौरान हैज औरत के खास अजाब हैज का खून जमा होने की वजह से सुखड़ जाते हैं। इस हाल में अगर मर्द बीवी से सोहबत कर ले तो बीवी को बहुत तकलीफ होती है। कुर्बान जाइए शरीत मोहम्मदी पर कि जिसने हमको अहकाम इलाही के जरिए ऐसी मजमूम हरकत से रोका जिनसे मियाँ बीवी की तरह तरह की बीमारियां और अमराज खबीसा यानी सोजाक को आतशक वगैरह लाहक हो जाते हैं जिनका खमियाजा तमाम उम्र भुगतना पड़ता है बल्कि औलाद पर भी इसका असर पड़ता है। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने और सुनने वालों को पसंद आई होगी। मैं आखिर में अपने तमाम बहन और भाइयों से ये गुजारिश करना चाहूँगी कि हमारी आज की इस वीडियो को सदका जारिया सोचकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुस्तकबिल में आने वाली तमाम नई वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को